दोस्तों, इस वर्ष की रामनवमी काफी खास रही। अयोध्या के नए भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली रामनवमी थी। ठीक दोपहर 11:58 से 12:02 तक भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक किया गया। भगवान भास्कर की किरणें जब भगवान राम के मस्तक पर चमकी तो वहां मौजूद लाखों भक्त के मुंह से निकल पड़ा जय सियाराम। रामनवमी पर वैज्ञानिकों के इस प्रयास से पूरा सनातन जगत चमत्कृत हो गया। इस दौरान देश के बड़े वैज्ञानिक और पूर्व वैज्ञानिक मौजूद रहे। सूर्य तिलक का प्रसारण पूरे अयोध्या नगरी में भी करीब 100 LED स्क्रीन पर भी किया जा रहा था। जो भक्त मंदिर परिसर में मौजूद नहीं थे वो इन LED स्क्रीन पर ही भगवान राम के सूर्य तिलक देख रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान असम गए प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर के अंदर अपने टैबलेट में भगवान रामलला का सूर्य तिलक देखा और उन्हें प्रणाम किया। त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ था उस वक्त भी भगवान सूर्य ने सूर्यवंशी भगवान राम का तिलक किया था। भगवान राम के जन्म के समय सूर्य देव का रथ एक महीने के लिए रुक गया था। रामचरितमानस में दोहा है, मास दिवस कर दिवस भ मरण न जाने ही कोई, रथ समेत रवि थकेउ निशा कवन विधि होए, अर्थात महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया कि क्यों सूर्य देव अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात कैसे होती। दोस्तों, सूर्य तिलक की तकनीकी का उपयोग भारत में पहले से भी कई मंदिरों में हो रहा है। सभी का मैकेनिज्म एक है लेकिन तकनीकी कुछ अलग अलग रहती है। आज ऐसे ही कुछ मंदिरों के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले बात गुजरात के जैन मंदिर की। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में भी स्थित कोबा जैन तीर्थ में भी सूर्य तिलक होता है। अहमदाबाद में ये मंदिर इस तरह बनाया गया है जहाँ जैन धर्म और विज्ञान का संगम होता है। यहाँ हर साल 22 मई को लाखों जैनियों की उपस्थिति में सूर्य देव महावीर स्वामी भगवान के मस्तक का तिलक करते हैं। यह अनोखी घटना करीब 3 मिनट तक होती है। बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर की। इस मंदिर में दुर्लभ किरणोत्सव की घटना तब घटती है जब सूर्य की किरणें सीधे देवी की मूर्ति पर पड़ती हैं। ऐसा साल में 2 बार होता है, 21 जनवरी और 9 नवंबर को सूर्य की किरणें माता के चरणों पर पड़ती हैं। 1 फरवरी और 10 नवंबर को सूर्य की किरणें मूर्ति के मध्य भाग पर गिरती हैं। 2 फरवरी और 11 नवंबर को सूर्य की किरणें पूरी मूर्ति को अपने रोशनी से नहला देती हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर में सूर्य किरण से जुड़ी घटना होती है। पहाड़ियों में स्थित इस सूर्य मंदिर पर सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति पर पड़ती है। गुजरात के महसाड़ा से लगभग 25 किमी दूरी मोडेरा गांव में सूर्य मंदिर है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि 21 मार्च और 21 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे मंदिर में प्रवेश करती हैं और सूर्य की मूर्ति पर पड़ती हैं। उड़ीसा में स्थित कोणार्क में सूर्य देव को समर्पित एक विशाल मंदिर है। इसकी वास्तुकला इस प्रकार है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती है, फिर सूर्य का प्रकाश इसके विभिन्न द्वारों के जरिए मंदिर में प्रवेश कर गर्भगृह को प्रकाशमान करता है। राजस्थान के पाली जिले में रणकपुर मंदिर में जैनियों के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। यहाँ सूर्य का प्रकाश मंदिर में प्रवेश कर मंदिर के अंदर के हिस्से को रोशन करता है। मंदिर के वास्तुकला इस तरह से है कि दिन के समय सूर्य की किरणें भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में गवि गंगाधरेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर अद्भुत वास्तुकला को दर्शाता है। इस गुफा मंदिर का आंतरिक गर्भगृह खास तरीके से चट्टान में उकेरा गया है जिसकी वजह से मंदिर में सूर्य किरणें पहुंचती हैं। मकर संक्रांति के दिन नदी के प्रतिमा को पहली सूर्य किरणों से प्रकाशित किया जाता है और फिर शिवलिंग के चरणों को स्पर्श करवाया जाता है और अंत में ये पूरे शिवलिंग को प्रकाशित कर देता है। तो दोस्तों, मंदिर में सूर्य तिलक पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।